Happy days to all. आज हम आए हैं गोटेश्वर महादेव मंदिर में और यहाँ पे चल रहा है हमारा सुंदरकांड का प्रोग्राम। आज हम यहाँ पर तीज बना रहे हैं क्योंकि हम सब महिलाएं यहाँ पे तीज बनाने के लिए इकट्ठी हैं। देखो हमारा ड्रेस कोड भी आज ग्रीन रखा गया है बिल्कुल, और सब बहुत ही सज धज के फुल एंजॉय में आज यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम यहाँ करने वाले हैं खूब धमाल। आगे मिलते हैं फ्रेंड्स आपको। आज हमारी ममता भाभी का कीर्तन है, आज सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और तीज सेलिब्रेशन। आज हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम हो, सब हरी हरी साड़ियाँ, सब ड्रेसेस में आए हैं ग्रीन ग्रीन, सब ग्रीन ग्रीन बन के आए हैं। हम तो हमने अपने गेस्ट भी बुलाए हैं कि हमारे मंदिर में सब आए और आकर रौनक लगाएं, खूब रौनक लगाएं। और आज सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि ममता भाभी के बेटे का और हस्बैंड दोनों का बर्थडे है, इतनी खुशी है। सुंदरकांड का पाठ है जी। और बाबा के दर्शन किया, इतना पुण्य प्राप्त होगा, सभी को।
भोलेनाथ की जय, भोले बाबा की जय। और आपको कैसा लगा आज? आज हम मेरी शादी की बात फर्स्ट थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत। और आपने कैसा लगा आप बताए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आते हैं, बहुत ही अच्छा। आज तो हमने कुछ नए तरीके से बनाए हैं। और ये देखो जैसे इनकी मस्ती है, कितनी सुंदर ये लग रही है आज, बिल्कुल आप ट्रेडिशनल ड्रेस वो इन्होंने डाली हुई है। देखो दीदी मेरी और हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं, इनकी शादी बहुत अच्छी लग रही है। कैसा लगा आपको? कितना मन लग रहा है ना आज हमारा? आज हमने बिल्कुल धार्मिक तरीके से अपनी तीज मनाई है नी? अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो आज हम सब पहने कितनी अच्छी लग रही है, सबने हरे रंग के ड्रेस डाली हुई है। ये देखो, ये देखो सब कितने प्यारे लग रहे हैं। किरिंग किरिंग चापाल, किरिंग किरिंग बिंदी और किरिंग किरिंग चूड़ियाँ किसकी है? ये देखो मेरी भी है, मैं भी दिखाती हूँ। ये देखो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, अजय सिंगल है वो थोड़ा मेरे से जुड़े हुए हैं, जो वो चलाते हैं एक छोटा सा के नाम से। क्योंकि मैंने काफी इसको फॉलो किया इस मंदिर को, देखा बहुत अच्छा लगा और स्टेप बाय स्टेप में देखती रही कि वो फरेज जल रहा है, अक्षत है, केट जल रहा है, वो सब मेरे
मुझे रेगुलर अपडेट होता रहा, तो एक अलग सा जुड़ाव मुझे भी लगा। और आज जब इन लोगों ने, आरती ने, ममता ने और सब ने मुझे कहा कि आप उस मंदिर में आइए, तो ढूंढते ढूंढते मैं भी आज यहाँ पहुँच गई। मेरे भी बहुत अच्छे भाव बन रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे सबको आप लोगों को काम करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दान देने में, और वो भी मंदिर के लिए। मैं समझती हूँ कुछ ही नहीं है अगर हम अपना हर महीने भी थोड़ा थोड़ा दें, शायद यहाँ का काफ़ी अच्छा होगा। आप लोग कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं ये देखकर अच्छा लगा, और सभी लोग अगर 100, 200, 500 रुपये महीना भी देंगे तो काफ़ी पैसा गुल्लक में आ जाता है और उससे बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे भी भाव बन रहे हैं आज, मैं इस माध्यम से 11,000 रुपये इस मंदिर के लिए रुपये हम देंगे, और मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि बाहर मैंने गाड़ी खड़ी की है, वो बिल्कुल तिरछा बिंदा हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये फर्श रखना चाहिए यहाँ पर, तो मुझे भी लगा मैं कुछ कर सकूँ। और मैं भी वो जिस भी उसमें आप कहेंगे अकाउंट में, मैं व्हाट्सएप के थ्रू और पेटीएम कर दूँगी। शादी से पहले मैं अग्रवाल थी और शादी के बाद मैं जयपुर हूँ, तो मंदिरों में जाती रहती हूँ, मेरी भावना है मंदिरों से। और नहीं नहीं मतलब आप बचपन से जिस भगवान से आप जुड़े हुए हो, अभी भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले हनुमान जी आ जाते हैं आज भी, तो वो एक भाव है, वो हमेशा ही बने रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आए हैं, सब लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। नंबर आज की राधा जिन्होंने किया है बहुत अच्छा डांस। ये देखो हमारी ये भाभी कितने अच्छे से तैयार होके आई है आज। फ्रेंड्स आज 30 के दिन गोटेश्वर महादेव मंदिर में हम फ्रेंड्स ने मिलकर बहुत इंजॉय किया है। हमें अपने फेस्टिवल ऐसे ही मनाने चाहिए मंदिर में भगवान के सामने, हमें बहुत अच्छा लगा है। हमने यहाँ सुंदरकांड किया है और फ्रेंड्स हमने झूला झूला, गाने गाए, डांस किए, बहुत इंजॉय किया। 30 पर फ्रेंड्स जो भी हम लोग करते हैं हर साल, उससे हमने बहुत अलग आज इंजॉय किया है। फ्रेंड यदि अब तक आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स यह ब्लॉग पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। ओम नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस बार हमें सुंदरकांड का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम दोनों ने मिलकर तीज के त्यौहार पर सावन के महीने में
हमने ये त्यौहार मनाया है, सबको बुलाकर सब ने अपने ग्रीन ग्रीन ड्रेसेस में आए हैं, सब ने खूब एंजॉय किया इस गोटेश्वर महादेव मंदिर में। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सब आए और देखें, यहाँ का हमने इतनी सुंदर डेकोरेशन करवाई और यहाँ पर प्रसाद बनवाया सबके लिए, ये भोले बाबा की ही कृपा है हमारे ऊपर। और आज सबसे खास बात ये है क्योंकि आज ममता भाभी के हस्बैंड का और मेरे बेटे का बर्थडे है, बिल्कुल, और सावन का महीना और तीज का सबसे हर हर महादेव। और ये हमारी रानी रानी जी बहुत हमेशा इनके चेहरे पे एक स्माइल रहती है, ये आज तक रही है बहुत बहुत ठीक नेचर है, और भगवान करे ऐसे ही मुस्कुराती रहे, बिल्कुल हर हर महादेव। भाभी ने आज हमारी तीज के पावन अवसर पर कितना अच्छा ये हम सब के लिए भोजन का अरेंजमेंट कराया है, देखो कढ़ी चावल और हलवा बहुत ही अच्छा आज इन्होंने प्रोग्राम किया है, इसमें कुछ नहीं है, जो भी है भोले बाबा का वाले की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, ऐसे ही हमेशा करती रहूं मेरी इच्छा है। देखो हमारे सहयोग जी का है ये आज की, जिन्होंने आज के प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए, सच में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये दोनों आज की हमारी संयोजिका है, बहुत ही अच्छा। हम चाहते हैं कि सभी आए और प्रसाद खाकर जाएं, कोई भी बिना प्रसाद खाए यहाँ से ना जाए, आपके भाव बहुत अच्छे हैं।